नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नज़र आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। मीनाक्षी शर्मा ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं आम आदमी जीता है, ये आम आदमी की सरकार है। आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली की महिला विंग की अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस ने खास बातचीत की और जाना पंजाब चुनाव के बारे में। हमारे बीच में महिला विंग की जिला अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली से, तो अपने बारे में क्या नाम है मैडम आपका? मीनाक्षी शर्मा। मुझे ये जो पंजाब की जीत का क्या कारण था? पंजाब की जीत का सबसे बड़ा कारण ये था, पंजाब के लोगों का प्यार और विश्वास जो उन्होंने दिल्ली मॉडल पर जताया और केजरीवाल सरकार पर जताया। उन्होंने सब जातिवाद को भुलाकर, धर्म की राजनीति को भुलाकर उन्होंने एक नई शुरुआत की है। उन्होंने शिक्षा की राजनीति को और अपना रोजगार को, बेरोजगारी के मुद्दे को उन्होंने देखते हुए एक ईमानदार सरकार को चुना है, ताकि पंजाब को एक सुनहरा पंजाब बनाया जाए। आज पंजाब में लोग सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो वहाँ पर नशा की है और वहाँ पर लोग बहुत परेशान है इस चीज़ से। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने केजरीवाल जी के ऊपर कि वो बेहतरीन कार्य तो करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी रोजगार भी देंगे लोगों को वहाँ पर और बेहतरीन काम। मैडम, जो पंजाब में मुद्दे रहे, ऐसा तो नहीं कहीं कि वहाँ पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को वोट दिया और क्षेत्रीय कार्यकर्ता जीते हैं और ये दिल्ली विजन नहीं जीता? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पंजाब की जीत की, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो पंजाब के कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत तो मायने रखती है, उनकी मेहनत की ही जीत भी है। साथ में ये पंजाब की जनता के विश्वास की भी जीत है, जिन्होंने दिल्ली मॉडल पर अपना विश्वास जताया, केजरीवाल जी पर अपना विश्वास जताया और साथ के साथ भगवंत मान जी पर भी अपना विश्वास जताया है। ये सभी की जीत है।